जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा डीएवी महाविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की प्रचंड बहुमत से जीत को लेकर मनाया गया जश्न। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज कुमार ने बताया कि छात्र संघ से छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति को अपना मूल मंत्र बांधते हुए ज्ञानशील एकता के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और समाज के विभिन्न स्तरों पर काम करता है। इसी को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो जीत हुई है वह समाज के विभिन्न पहलुओं पर परिषद द्वारा किया गया कार्य का नतीजा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने अभावी के जो विश्वास जताया है और परिषद के हर सदस्य को अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाया है, उसको लेकर पूरे देश भर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है और इसी को लेकर सभी ने खुशियां मनाई, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता रविरंजन श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार, मोनू कुमार, पवन कुमार, गोलू कुमार, संदीप कुमार यादव, शिवशंकर राय, रितेश सिंह, रत्नेश कुमार रतन, अभिषेक कुमार समेत अन्य सभी समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की वंदे, वंदे। उन्होंने डीएवी कॉलेज के गेट परिसर में सामने हम लोगों ने खुशियां मनाई और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, क्या मामला? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके लिए हम लोग आज सिवान सदर में डीएवी कॉलेज गेट पे जश्न मना के एक दूसरे को मिठाई खिलाया और खुशियां जाहिर की। होली तो खत्म होता माहौल दिख रहा है, पूरा होली तरह माहौल है। भागवा में पूरा डीएवी कॉलेज के छात्र जितने भी हैं सब खुश है। देखिए अभिषेक जी हैं, रत्नेश जी हैं, अदर जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग खुशी के माहौल में है। क्या जीत हासिल? पूरी सीटों पर विद्यार्थी परिषद जीत हुई है, इसके लिए पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई हैं। नाम बता दो। मनोज कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आज सभी लोगों ने, युवाओं ने, छात्र जो जीते हुए हैं डीयू में, उसको लेकर खुशियां मनाई, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत गर्व की बात है। हमने बहुत सी कॉलेजों, हमने वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो कॉलेज आती हैं बहुत से, हमने निर्विरोध दर्ज किया चुनाव। और जो मेन जो जो पोस्ट होता है अध्यक्ष का और महासचिव का और एक और कोषाध्यक्ष की जो पोस्ट होता है उसमें हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीता है। और इसके लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संगठन के सभी आला अधिकारियों को और विद्यार्थी परिषद सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या लगता है आपकी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी छात्र हित से जुड़े कार्य होंगे? बिल्कुल होंगे। छात्र विद्यार्थी परिषद छात्र हितों की बात ही करता है और केवल छात्रों की समस्याओं को लेकर ही संघर्ष करता है। विद्यार्थी परिषद काम ही वही है, विद्यार्थी में कोई राजनीतिक और ये नहीं करता है ना, विद्यार्थी परिषद वही करता है हाँ। तो ये और यहाँ तक कि जेपी में आज हम लोगों ने ये सभी छात्रों को ये बधाई दी और ये भी आशा किया कि आने वाले समय में जेपी में ही छात्र संघ चुनाव हो और जेपी के जो छात्र हित की जो बात हो वो मुखरता से सरकार के सामने और विश्वविद्यालय प्रशासन। नाम बता दीजिए। अभिषेक कुमार, पूर्व नगरसभा मंत्री, पूर्व जिला सूचना प्रमुख और कार्यकर्ता। समय से यहाँ पे कार्य करती है और आज दिल्ली में भी कई सीटों पर जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है, राष्ट्र को सर्वप्रथम मान के राष्ट्र हित में छात्र हित के द्वारा काम किया जाता है और विद्यार्थी परिषद के जो सिद्धांत है, जो विद्यार्थी परिषद का कार्य है, उसको देखते हुए देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद के कार्य को लेकर विद्यार्थी परिषद के छात्रों को सहयोग मिलता रहा है। इसी क्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय जो पूरे देश की नाक है उसमें विद्यार्थी परिषद की अपार बहुमत से जीत हुई है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी पर जो है कि विजय हुई है। साथ ही साथ जितने महाविद्यालय हैं उस सभी महाविद्यालयों में 90% विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का जीत हुआ है। इसको लेकर सिवान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में हर्ष और उल्लास है। नाम बता दीजिए। रवि रंजन श्रीवास्तव, पूर्व विश्वविद्यालय प्रमुख। थैंक यू।